multi-line. Multiline command ML. Multiline का मतलब सीधा सीधा स्पष्ट हो रहा है कि आपके पास बहुत सारी लाइन है, ठीक है, दो या दो से अधिक होगी, जितनी लाइनें आप ड्रॉ करना चाहोगे उतनी लाइनें आप ड्रॉ कर सकते हो यहाँ मल्टीलाइन कमांड से। जैसे आप ML एंटर करोगे वही सारे ऑप्शन आएंगे जो आपके लाइन में आते थे, ठीक। तो कुछ ऑप्शन और एक्स्ट्रा हाईलाइट होंगे तो हम वो ऑप्शन देखते हैं। हमने ML टाइप किया और एंटर कर दिया। अब यहां पे दे रहा है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट जस्टिफिकेशन स्केल और स्टाइल, ठीक है। तो स्टाइल पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि अभी हमने कुछ ऐड ही नहीं किया स्टाइल में, तो हम कुछ नहीं करेंगे। जो कुछ करेंगे वो जस्टिफिकेशन और स्केल में करेंगे, ठीक है। तो जैसे हमारे पास एक रेक्टेंगल बना हुआ है, पहले से है ये प्लान है हमारा, ठीक है। अब हम इसका सेंटर लाइन डिफाइन करना चाहते हैं, सेंटर लाइन, और साथ ही साथ दोनों तरफ हम एक्सटेंशन देना चाहते हैं कि 4.5 इंच इधर हो, 4.5 इंच इधर हो, ठीक है। तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे ये भी डिपेंड करता है। तो हम चलते हैं ML एंटर करते हैं। ML एंटर करने के बाद अब यहां से हम जस्टिफिकेशन करते हैं कि ठीक है कि हमारा जो पॉइंट होगा, जो पॉइंट हम क्लिक करेंगे वो पॉइंट कहां होगा, दैट इज 0, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा आता है स्केल। स्केल का मतलब ये है कि जो ये लाइन ड्रॉ हो रही है, जो ये लाइन ड्रॉ हो रही है इन दोनों लाइनों के बीच में गैप कितना है वो हमारा स्केल डिफाइन करता है। तो हम फिर से लेते हैं ML इंटर और यहां पे थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लेते हैं तो अभी क्लियर होने लगेगा कि स्टाइल क्या ले रहा है। देखिएगा जस्टिफिकेशन जो हमने ले लिया है 0 पे ले लिया है, स्केल जो चल रहा है वो 20 का चल रहा है, ठीक है। मतलब दोनों लाइनों के बीच में जो गैप आ रहा है वो 20 का आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको डिलीट करते हैं। ML टाइप स्केलिंग हमको 9 इंच की रखनी है, तो हमने क्या किया S इंटर स्केल, यहां 20 हटा के हम 9 कर देते हैं। जस्टिफिकेशन हमारा 0 से चल रहा है, तो हम जब अब डिफाइन करेंगे यहां पे पहले सिंगल लाइन ठीक है, वो एक्चुअली ऐसे में क्या दिक्कत आ जाती है ना कि अगर हम सिंगल लाइन नहीं बनाते हैं तो हमारे पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता है कि हम इसको कहां पे रखें, ठीक है। तो हमको लाइन के डायमेंशन याद करके जैसे उसमें चलते हैं वैसे इसमें भी चलना है। जैसे हमारे पास ML हमने लिया, यहां से स्टार्ट किया, ठीक है, कितना डायमेंशन लेना है, सपोज 400 हमको देना है, एंटर कर दिया हमने। नेक्स्ट लाइन कितना लेना है, 500 हमने दे दिया, एंटर। नेक्स्ट लाइन कितना लेना है, 400, एंटर। और नेक्स्ट लाइन हमें कितना डायमेंशन का देना है, 500, एंटर, ठीक है, ये बन गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां पे सेंटर लाइन लाना है, तो सेंटर लाइन के लिए आपके पास वो पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। तो स्टाइल पढ़ेंगे तो हम सेंटर लाइन भी लेके चले आएंगे, लेकिन अभी जब तक हम नहीं जानते हैं तब तक हम नहीं ला पाएंगे, तो जरूरी नहीं है कि यहां पे लाइन हो ही, ठीक है। आगे चलते हैं हम, स्केल और जस्टिफिकेशन हो गया, स्टाइल। तो स्टाइल हम तभी जानेंगे जब हम मल्टी लाइन स्टाइल पढ़ लेंगे, ठीक है। MLST मल्टीलाइन स्टाइल का कमांड है, MLST इंटर। अगर हम करंट स्टैंडर्ड में हम कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, स्टैंडर्ड में ही हम स्टाइल चेंज करना चाहते हैं कि यहां पे सेंटर लाइन आने लगे, ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इन सबको हटाना पड़ेगा तभी मॉडिफाई का ऑप्शन आएगा उसका। MLST इंटर, अब मॉडिफाई का ऑप्शन आ रहा है, इसमें मॉडिफाई में गए। मॉडिफाई में डिस्क्रिप्शन अगर कुछ देना है कि वो आपका क्या चीज है, रोड है, रोड आप बना रहे हो या फिर मेन वाल है, पार्टीशन वाल है, क्या है, वो आप डिस्क्रिप्शन में दे सकते हो, ठीक है। लाइन के आपको स्टार्टिंग में लगाना है, कुछ लाइन लगाना है, कैप्स कि आपको कैपिंग करनी है। स्टार्टिंग हमने कैप कर दिया, ओके किया। अब देखिएगा L इंटर, जैसे लाइन हम जब बना, सॉरी L इंटर कर रहे हैं, ML इंटर, जैसे ही लाइन बनाएंगे तो स्टार्टिंग में ही इसके कैपिंग आएगा, ठीक है, ये कैपिंग लग गया। दूसरा है एंड में, अगर आप कैपिंग लगाना चाहते हो, ML इंटर,
यहां देखिए स्टार्टिंग में ही क्यों गैपिंग आ रहा है, यहां पे आपके एंड में भी अगर लगाना है तो एम एल एस टी, बट इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि इसी को आपको एडिट करना है, अगर न्यू क्रिएट करते तो कोई दिक्कत नहीं थी। एम एल एस टी इंटर मॉडिफाई एंड पे भी गैप, ओके ओके किया आपने, एम एल इंटर एंड में भी कैप आ गया, ठीक है। एंड में आपको आर्क ऐड करना है तो मल्टीलाइन स्टाइल में जाइए, बट इसको डिलीट करना है, एम एल एस टी इंटर न्यू बना लेते हैं, बार बार डिलीट ना करना पड़े, वन कंटिन्यू। अब यहां पे हमको लाइन ना लगा के हमको आर्क ऐड करना है, तो यहां पे जैसे ही हम स्टार्ट एंड पे आर्क लगाएंगे तुरंत ही ऑटोमेटिक बन जाएगा। इनर आर्क क्या करता है, अभी हम जब लाइन और ऐड करेंगे तो वहां पे कंफर्म हो जाएगा कि इनर आर्क क्या है, ठीक है। पहले हम आउटर आर्क लगा दिए हैं, आउटर आर्क लगाने के बाद इसका कलर कैसा होना चाहिए वो भी कलर हम डिफाइन कर देते हैं। किसमें? हाँ प्लान में ज्यादातर यूज होता है। हम यहां से चलते हैं, अब इसका कलर डिफाइन आउटर ही दे सकते हैं, इनर देंगे तो दिक्कत आएगा। नहीं अभी दिखाते हैं, इनर भी दे सकते हैं हम, एक मिनट मॉडिफाई सॉरी न्यू, हमने न्यू का नाम दे दिया एस वन, ठीक है कंटिन्यू किया और यहाँ पे हमने लगा दिया आउटर आर्क ओके कर दिया, लाइनें हटा देते हैं, स्टार्ट एंड की लाइनें कैपिंग हट गई। अब यहाँ पे कोई और ऐड करना चाहते हैं हम, लाइनें कोई ऐड करना चाहते हैं तो बस क्लिक ऑन ऐड, ऐड हुआ है जीरो पे। अगर आप सेंटर लाइन बनाना चाहते हो तो इसको जीरो पे रख दो, ठीक है। अगर आपको सेंटर लाइन नहीं बनाना है तो आप क्या करो, इसका डिस्टेंस कुछ डिफाइन कर दो, कितने डिस्टेंस पे आपको रखना है इसको। तो हमने यहां से कर दिया 4.5 और एंटर किया। नेक्स्ट फिर से मॉडिफाई उसी को, यहां पे और कोई ऐड करना है कि एक माइनस में भी हो तो आपने क्या किया ऐड और इस पे आप गए और इसका वैल्यू आपने डिफाइन कर दिया -4.5 और ऐड, तो एक आ रहा है -4.5, एक आ रहा है 0.5 माइनस में ही 0 आ रहा है, फिर उसके बाद आ रहा है 0.5, फिर आ रहा 4.5 प्लस में। हमने इसको जस्ट क्लिक ऑन ओके, पहले इसका कलर चेंज कर लेते हैं, 4.5 का कलर चेंज करके रख देते हैं सियान, इसका कलर हम चेंज करके रख देते हैं यही रहने देते हैं, और इसका कलर हम चेंज कर देते हैं येल्लो, इसका भी सियान, जस्ट क्लिक ऑन ओके, और इसको भी हम ओके करते हैं बस। हम जब टाइप करते हैं ML, तो ML टाइप करने के बाद क्या आ रहा है, स्टाइल स्केल ये दोनों आ रहे हैं, तो हमने क्या पढ़ लिया, जस्टिफिकेशन स्केल पढ़ लिया है, स्टाइल हमने नहीं पढ़ा है। तो स्टाइल में क्या है, हम वही नाम डिफाइन करेंगे जो हमने उसमें डिफाइन किया था। स्टाइल पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे नाम कह रहा है कि इंटर एम लाइन स्टाइल नेम, तो हमने नाम डिफाइन किया एस वन और इंटर कर दिया। अब यहाँ पे स्टाइल जो आपके आने लगा वो एस वन आने लगा, अब यहाँ पे आप क्लिक जब करोगे तो ये बनता चला जाएगा। ठीक है, जो इनर आर्क आ रहा था वो इस लाइन पे आ रहा था, अब हम इसको हटा दें डिलीट और इसी में हम एडिटिंग कर लें, एम एल एस टी टाइप इंटर मॉडिफाई और यहां से इनर आर्क भी लगा दें, ओके कर दें और ओके। अब एम एल टाइप करके स्टार्ट करेंगे, देखिएगा ये यहां से आ रहा है, ये आर्क बना हुआ आ रहा है ये, ठीक है। अगर इसका लाइन टाइप आपको चेंज करना है तो आप वहीं पे चेंज कर सकते हो, लाइन टाइप स्टाइल चेंज कर दो, एम एल एस टी इंटर और यहां से मॉडिफाई पे आप जाओ, मॉडिफाई से इसका लाइन टाइप क्या लेना है तो आप उस पर क्लिक करो, जिसका भी लाइन टाइप चेंज करना हो लाइन टाइप पे जाओ, लोड में जाओ और यहां से सपोज सेंटर लेना है, आपने ओके किया इस पर क्लिक ओके, यहां पर सेंटर लाइन आने लगा, सेंटर लाइन यहां पर आ रहा है, ठीक है जस्ट ओके ओके। हमने लिया एम एल इंटर स्टार्ट किया, सही है।
तो आपको जितनी भी लाइनें ड्रॉ करनी है आप इसी में ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, हम एक और ऐड करते हैं इसमें, एम एल एस टी इंटर मॉडिफाई में चलते हैं, ये सारी चीज़ें हटा देते हैं। यहाँ से हम ऐड कर लेते हैं 0.5 की जगह हम यहाँ से वैल्यू इसकी बढ़ा देते हैं, पॉइंट माइनस, चूँकि हम बना रहे हैं ना तो हम एक ही तरफ नहीं बनाना चाहते, हम सेंटर लाइन के अबाउट दोनों तरफ बनाना चाहते हैं। जैसे 9 इंच का था तो 9 इंच का एक नीचे होगा एक ऊपर होगा, तो इसलिए हमने माइनस 4.5 दिया प्लस 4.5 दिया, तो इससे दोनों तरफ वैल्यू बन रही। और अगर हम 0 ले लेते एक और एक हम 4.5 दे देते एक 9 दे देते, तो फिर वो दोनों प्लस वैल्यू में चला जाता ना, तो फिर 0 देने कोई फायदा ना होता, कहीं और बनता, जो पॉइंट हम डिफाइन करते हैं उस पॉइंट पे ना बन के कहीं और जाके बनता। ठीक है, ऑफसेट डिस्टेंस हम इसको कर देते हैं 4 और माइनस 0.5 वाले को भी हम माइनस 4 कर देते हैं। अब यहां से हम ओके करते हैं, एम एल इंटर मल्टी लाइन एडिट पे हम जाने वाले हैं, इसलिए हम ऐसा चेंजेस कर रहे हैं। एम एल एस टी और यहाँ पे इस पर हम चलते हैं, इसको मॉडिफाई करते हैं, इसमें इतना ही रहने देते हैं, स्टार्ट एंड बस हटा देते हैं। ओके, सेट करंट, ओके, और इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। मल्टी लाइन एडिट, एम एल ई टी इंटर मल्टी लाइन एडिट में इतने सारे ऑप्शंस आते हैं, क्रॉस, क्लोज्ड क्रॉस, ठीक है। क्लोज्ड क्रॉस का मतलब यह है कि एक को आपका क्लोज कर देगा और एक को पूरा तरह से क्रॉस कर देगा, जैसा सिंबल इसमें दिखा रहा है उसी तरह से यूज करना है आपको। तो आप दोनों में से एक को सिलेक्ट कीजिए, सॉरी सिलेक्ट सेकंड मल्टी लाइन, ठीक है। यहां पे देखिएगा क्लोज्ड क्रॉस आपको करना है, सपोज आपको इस लाइन को हटाना है, इस लाइन को हटा देना है, तो पहले इसको सिलेक्ट कीजिए देन दूसरा सिलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। इंटर किया आपने, दूसरा है क्लोज टी, क्लोज टी में आप गए, जिसको हटाना है उसको पहले सिलेक्ट, जैसे ये लाइन आपको हटानी है तो इसको सिलेक्ट देन इसको सिलेक्ट, ठीक है, जिसको हटाना है उसको पहले सिलेक्ट, हाँ जिस लाइन को हटाना है उसको पहले सिलेक्ट करेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि जिस पे आप क्लिक करोगे वो सेव रहेगा, वो बचा रहेगा, जिस पे नहीं क्लिक करोगे वो हट जाएगा। जैसे हमने इसको देखा, इसमें चलते हैं, क्लोज टी, क्लोज टी दिया हुआ है तो हमको इस लाइन में, मतलब यही लाइन आपको हटानी है, ये वाली लाइन हटानी है पूरी तरह से, और इस लाइन को आपको सेव रखना है, ठीक है। तो आपने इस लाइन पे क्लिक किया देन इस पे क्लिक कर दिया, हटिए। आगे चलते हैं कॉर्नर जॉइंट, कॉर्नर आपको जॉइंट करना है तो उन कॉर्नरों पे क्लिक करेंगे जिसपे आपको रखना है, जिसको, जैसे इसको रखना है और इसको रखना है तो इन दोनों पे हमने क्लिक कर दिया। अगर बाहर वाला रखना होता कॉर्नर तो हम बाहर वाले पे क्लिक कर देते, ठीक है। इसमें से भी अगर इन दोनों में रखना है आपको इन दोनों को, देन इस दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। दूसरा है ओपन क्रॉस, ओपन क्रॉस इन सबको हटा देगा, ओपन कर देगा, इस पे क्लिक किया और इस पे क्लिक किया दोनों ओपन हो गए। और यहीं पे दूसरा है मर्ज क्रॉस, मर्ज क्रॉस भी हम चलते हैं, मर्ज क्रॉस इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, ओपन क्रॉस, सॉरी ओपन क्रॉस ये है और मर्ज क्रॉस ये है, इसमें कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है, दोनों एक ही जैसा है। अब हम इसी एग्जांपल को इसमें देखते हैं तो अभी क्लियर हो जाएगा, ओपन क्रॉस और मर्ज क्रॉस, ठीक है। ओपन क्रॉस हम इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं, एक ये हो गया ओपन क्रॉस, और दूसरा मर्ज क्रॉस, मर्ज क्रॉस में क्या करेगा, ओपन क्रॉस में एक लाइन को पूरी तरह से हटा दिया और एक को रख दिया है और एक को पूरा एकदम स्ट्रेट बना दिया, मतलब एक तरह से ये हो गया कि ये आपका हाईवे है
और ये आपका एक गली टाइप का हो गया कि ये जो पदयात्रा निकला हुआ है, पदयात्रा की फुटपाथ जिसे बोलते हैं, फुटपाथ निकला हुआ उस पर ये ज्वाइन है, बट मेन रोड से ये क्रॉसिंग नहीं है, ठीक है। लेकिन जो मर्ज क्रॉस होगा, मर्ज क्रॉस एक तरह से चौराहा होगा। अभी देखिएगा, ये लाइन इससे मर्ज होगी, ये लाइन इससे मर्ज होगी, और ये सेंटर लाइन तो मिली ही रहेगी, इस लाइन से इससे, इससे इससे ऐसे ही मर्ज होगी। ध्यान से देखिएगा, मर्ज क्रॉस, इसको आपने सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट किया, मर्ज हो गया, एक तरह से चौराहा हो गया, ठीक है। इसके बाद आता है कट सिंगल। अब ये सब नॉर्मल है कि एक लाइन को काट देगा जिसको भी आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट इसी में आते हैं कट ऑल, सारी लाइनों को काटना है यहां से यहां तक, और भी काटना है यहां से यहां तक, अगेन एड वर्टेक्स। जब हम मल्टी लाइन बना रहे हैं तभी काम, हाँ तभी काम करेगा, ठीक है। वेल्ड आल, सबको आप जोड़ना चाहते हो, यहां पे आप क्लिक करो, देन यहां पे क्लिक करो, सबको ये जोड़ देगा, ठीक है। अब इसको आप सिलेक्ट जब करते हो तो इसमें दो ही पॉइंट्स वर्टेक्स दिखाई दे रहे हैं, तो एडिट करने के लिए आपके पास दो ही वर्टेक्सेस हैं, ठीक है। तो अगर आपको 20 से इसको एडिट करना हो तो क्या करोगे, 20 से एडिट करने के लिए तब आपको ऐड करना पड़ेगा, वर्टेक्स को ऐड करना पड़ेगा। नाउ MLET मल्टीलाइन एडिट, आप यहां से ऐड वर्टेक्स पे जाओ, जहां जहां पे आपको वर्टेक्स ऐड करना है वहां वहां पे क्लिक कर दो। ये थोड़ा घटिया प्रोसेस लगता है कि आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा आप कहां पे क्लिक कर रहे हो। अब इसको आप सेलेक्ट करो, इतने सारे वर्टेक्सेस आ गए, जो भी एडिट करना है आप कर दो इसको एडिट, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आता है डिलीट वर्टेक्स, MLET इंटर डिलीट वर्टेक्स, जिस वर्टेक्स पे क्लिक करोगे वो डिलीट हो जाएगा। मर्ज टी बनाना है आपको, इसको आपने सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट किया, ये मर्ज टी आपका बन गया, ठीक। और कुछ बचा है इसमें, क्लोज टी, ओपन टी, मर्ज क्रॉस, मर्ज टी, डिलीट, कॉर्नर जॉइंट, सिंगल कट, कट ऑल, वेल्ड ऑल, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं ब्लॉक पे, तो ये प्लान से बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, तुरंत बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। लेकिन ये है कि अब इसमें बहुत प्रॉब्लम आती है, जैसे हम एक चीज दिखाते हैं आपको, इसका यूज कहाँ होता है बेसिकली, इसका यूज कहाँ, बेसिकली रोड डिजाइन करने में, रोड डिजाइन तो ऑटोकैड से कोई करेगा, क्या हुआ, रोड डिजाइन तो ऑटोकैड से कोई करेगा नहीं, जो रोड का मतलब प्लान बनाना होता है तो प्लान बनाते हैं लोग, इस पे रोड कटिंग दिखाना है, सब कुछ दिखाना है, तो इससे भी करते हैं। अब जैसे इसमें हम अगर ये करना चाहें, मल्टी लाइन हमने बना लिया, मल्टी लाइन में अगर हम ऑफसेट कमांड का यूज़ करना चाहें तो हम नहीं कर सकते हैं, ये ड्रॉबैक है इसका। जैसे हम इसी में डिफाइन कर लेते हैं, एक मल्टी लाइन बनाते हैं, ML टाइप इंटर, ठीक है। अब इसमें देखिएगा, इसको आप ऑफसेट कराना चाहते हो, वो इंटर किया आपने, डिस्टेंस डिफाइन किया और इसको सिलेक्ट करके, ठीक है, तो ये गड़बड़ है। तो इसका अगर प्लान इससे बनाना है तो इससे आपको डायमेंशन बाय 1/1 करके डिफाइन करना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा टफ पड़ जाता है, ठीक है, कि आपको 1/1 करके देना है तो दिक्कत होती है। तो आप बेसिकली प्लान जब भी बनाओगे तो प्लान का यूज आप वैसे ही करोगे। हाँ, आप ये कर सकते हो कि आपको मेन वाल डिफाइन करना है तो आप मेन वाल ना डिफाइन करके आप वैसे ही बना दो, बाद में जब आपको वाल क्रिएट करना हो तो आप बस ये। आगे चलते हैं ब्लॉक। ब्लॉक जैसा हमने पहले भी बताया था कल, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है।
तो हम अब डिजाइन करते हैं ब्लॉक में चल के. डोर ही हम बनाते हैं, कल हमने डोर ही बनाया था और डोर ही आज भी बनाएंगे. डायमेंशन 36 इंटर, 36 इंटर. ठीक है, ये बन गया. अभी आपका सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं है, सब अलग अलग है. तो ब्लॉक क्या कहता है, ब्लॉक आपका कहता है कि आपके जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे सारे के सारे एक एंटिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे. ठीक है, तो चलते हैं बी इंटर. बी इंटर हमने किया, नाम डिफाइन करते हैं इसका, क्या है ये डोर. पिक पॉइंट, पिक पॉइंट आपका क्या कहता है कि बेस पॉइंट आप डिफाइन करो. ठीक है, या स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन कि आप स्क्रीन पे कहीं भी क्लिक कर दोगे, जब भी आपका जब आप इंसर्ट कराओगे तो आप वहां कहीं क्लिक करोगे वो आ जाएगा ऑटोमेटिक. स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन, जैसे हम यहां पे अगर स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन कर दें तो जहां पे हम क्लिक कर देंगे वहीं आ जाएगा. ठीक है, तो हम पिक पॉइंट कर लेते हैं, बेस पॉइंट हमने ये दे दिया. यहां पर कह रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो या फिर स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन, मतलब स्क्रीन पे जितनी सारे ऑब्जेक्ट हैं सारे के सारे एक ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाएंगे. ठीक है, तो हम यहां से सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करते हैं, ये ज्यादा बेस्ट रहेगा हमारे लिए. यहां पे ऑप्शन दे रहा है रिटेन, कन्वर्ट टू ब्लॉक, डिलीट. रिटेन, रिटेन का मतलब यह है कि जो आपका ऑब्जेक्ट यहां पर अवेलेबल है उसी को आप मतलब जैसा है वैसे ही रहने देना चाहते हो, या फिर कन्वर्ट टू ब्लॉक कन्वर्ट करना चाहते हो ब्लॉक में, या फिर डिलीट ड्राइंग से इस ड्राइंग को डिलीट ही कर देना चाहते हो. ठीक है, ब्लॉक तो आपको बन जाएगा, जब भी आप डिलीट ऑप्शन लगाओगे ब्लॉक आपको बन जाएगा, बट वो जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है आपका वो आपका ड्राइंग से डिलीट हो जाएगा. ठीक है, इसी तरह से रिटेन में है, रिटेन में आपके पास ब्लॉक है प्रेजेंट हो जाएगा, आप रख लोगे एक ब्लॉक, लेकिन ये जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है वो जैसा था वैसा ही रह जाएगा. ठीक है, और कन्वर्ट टू ब्लॉक, तो ये आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाएगा. ये है तीनों. तो हम चलते हैं, पहले रिटेन लगाते हैं, ओके करते हैं, और यहां पे जैसे ही आएंगे इसमें डायरेक्ट पाथ नहीं होता है, हम पाथ डिफाइन नहीं कर पाते हैं, तो हम यहां पे ओपन एंड सेव पे जाएंगे और यहां से सेव ब्लॉक एच डोर पे क्लिक, यहां पे चेक करेंगे इसको, तभी ये फाइल फॉर्मेट हमको दिखाएगा पाथ की कहां पे आप सेव करना चाहते हो. नाउ यहां पे हमने सेव कर दिया डोर वन के नाम से सेव. ठीक है, दिस हम क्लोज करेंगे और सेव चेंजेस कर देंगे, ये हमारा जैसा था वैसा ही रहेगा. ठीक है, दूसरा अगर हम इसी को कन्वर्ट टू ब्लॉक कर दें तो ये ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाएगा. तो रिटेन किया तो क्या हो, रिटेन करने पे जैसा था हमारा वैसा ही रह गया. ठीक है, जब हम इंसर्ट कराएंगे तो हमको ब्लॉक मिल जाएगा. ब्लॉक ना बनाने का मेन रीजन ये हो सकता है, जैसे हमने ये किया, ब्लॉक ना बनाने का मेन रीजन ये हो सकता है कि जैसे हमने डोर बनाया, अब इसको हमने ब्लॉक नहीं बना रहे हैं, तो इसका एक मेन रीजन ये है कि हम कुछ चेंजेस इसमें करना चाहते हैं, जब भी हम आगे जाएंगे तो उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं. हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग डायरेक्ट रख रहे हैं प्लान. ठीक है, हम इसको इसलिए भी कर रहे हैं, दूसरी बात यह है कि हम इसमें कुछ चेंजेस भी करना चाहते हो कि हमारे और जो डोर है वो डोर किसी और डिफरेंट डिफरेंट साइज के हैं, बट ये डोर जिस डोर को हम सिलेक्ट करके ब्लॉक बना रहे हैं वो डोर हमारा सेम है जैसा था वैसा ही रहना चाहिए, तो हम यूज करेंगे इसको रिटेन कि जैसा है वैसा ही रहे, और दूसरा जो बने उसमें हम कुछ चेंजेस करें तो वो चेंजेस इसमें ना, नहीं तो फिर इसमें भी चेंजेस हो जाएगा, जैसे हम उसमें चेंज करेंगे तुरंत ये इसमें ऑटोमेटिक चेंजेस हो जाएगा. अभी दिखाते हैं हम आपको,
जैसे हम इंसर्ट करा लें, इंसर्ट कराने के बाद हमने ओके किया, यहाँ पे लाके पुट कर दिया, ठीक है। हम ब्लॉक एडिटर में चलते हैं, ब्लॉक एडिटर का कमांड है बी ई इंटर, डोर पे हमने क्लिक किया, ओके किया। ब्लॉक एडिटर में हम गए, हमने सोचा कि ये लाइन हम हटा देते हैं, इससे कोई फायदा नहीं है, हम डोर को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। डोर को हमने क्लोज कर दिया, तो डोर क्लोज जब करेंगे तो ये लाइन हमारी हट जाएगी, ये भी हट जाएगी, ऐसा डोर आ जाएगा। हम इसमें जैसे चेंज करेंगे तुरंत ब्लॉक में चेंज हो जाएगा, क्लोज ब्लॉक एडिटर से चेंजेस टू डोर, हो गया। इंसर्ट कराएंगे तो इसी टाइप का इंसर्ट होगा, ये जो बना हुआ है इसी टाइप का इंसर्ट होगा। अब चूंकि ये ब्लॉक में अगर होता तो इसमें भी चेंजेस वो हो जाता, ठीक है, इसीलिए हमने इसको ब्लॉक में कन्वर्ट नहीं किया। तो जब ऐसी रिक्वायरमेंट होगी कि इसमें हमको ब्लॉक में कन्वर्ट नहीं करना है, इसको इसमें चेंजेस नहीं करना है, तो हम इसको एज इट इज रहने देंगे, जैसा था वैसा, इट मींस रिटेन पे चेक कर देंगे, ठीक है। अच्छा, जैसे कि एक आग डालना हो उसके लिए रिटेन, जैसे एक दो बना, हाँ, जैसे ये हमारा एक है, सिर्फ एक डोर पड़ा हुआ है, तो हमने इसको रिटेन रख दिया। अब इसी को हमने ब्लॉक में कन्वर्ट किया और ले जाके दूसरे बना लिया, हमने दूसरे ड्राइंग में क्रिएट कर ली कि हमारे पास दूसरा डोर हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, जब इंसर्ट कराएंगे तो इसमें कुछ चेंजेस कर देंगे, इसमें चेंजेस नहीं होगा, वो रिटेन में रहेगा, जैसा था वैसा ही रह जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, डबल टाइम क्लिक ब्लॉक एडिटर में, और जैसे ही इसके अंदर हम इंटर करते हैं, यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस का जब यूज करेंगे तो हम डायनामिक ब्लॉक के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। ब्लॉक में हम कुछ चेंजेस कर, यहाँ पे कुछ पॉइंट, कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको लगाने के बाद ही हम एक्शन यूज करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पैरामीटर पॉइंट, पॉइंट का यूज हम सिर्फ और सिर्फ मूव और स्ट्रेच के लिए करते हैं, कि हमको इसको मूव कराना है या फिर स्ट्रेच करना है तो हम पॉइंट का यूज करेंगे, ठीक है। तो पॉइंट का यूज हमने यहाँ पे कर दिया। एक्शन में हम क्या करेंगे, मूव और स्ट्रेच दो ही एक्शन यूज करेंगे इससे। तो हमने यहां से सिलेक्ट किया पैरामीटर को, अब कह रहा है कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट जिसको आपको मूव कराना है उसको सिलेक्ट कीजिए, एंटर। यहां पे मूव का ऑप्शन बन के आ गया, क्लोज ब्लॉक एडिटर से चेंजेस, अब आप यहां से मूव करा सकते हैं, बेस पॉइंट आपका वहीं रहेगा लेकिन ये मूव हो जाएगा। ठीक है, ओके। जैसे ही आप पैरामीटर हटाओगे तुरंत आपके एक्शन हट जाएंगे, पैरामीटर हमने हटा दिया, एक्शन हट गया। दूसरा है लीनियर, लीनियर का यूज एक्शन में हम सब करते हैं, मूव, स्केल, स्ट्रेच और अरे, चार, ठीक है। तो हम यहां से लीनियर पैरामीटर यहां से लगा लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, ये हमने लीनियर लगा लिया। सपोज इसको स्ट्रेच करना है, स्ट्रेच करने के लिए एक्शन में हम आए और हमने यहां से स्ट्रेच कमांड यूज किया, पैरामीटर हमारा ये है। अब कह रहा है कि स्पेसिफाई पैरामीटर पॉइंट टू एसोसिएट, कहां से आपको रखना है, एसोसिएट करने के लिए कौन सा पॉइंट होना चाहिए और कॉर्नर कौन सा स्ट्रेच करना है वो सिलेक्ट कीजिए। देन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, किसको आपको स्ट्रेच करना है, ये है क्लोज ब्लॉक एडिटर सेव चेंजेस, इसको आपने सिलेक्ट किया, ये आपको स्ट्रेच करना है, ठीक। पैरामीटर हटा देते हैं, एक्शन हट जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर हमारा पोलर, और पोलर का पोलर स्ट्रेच करेगा, और पोलर स्ट्रेच 3D में स्ट्रेच होता है, ठीक है।
एक्शन पोलर स्ट्रेच हमने सेलेक्ट किया, पैरामीटर पॉइंट हमने डिफाइन किया और स्ट्रेच का कॉर्नर बना लिया। स्ट्रेच किसको करना है वो भी सेलेक्ट कर लिया एंटर। स्ट्रेच का ऑप्शन नंबर क्या आ गया, एनक्लोज ब्लॉक इटर सेव चेंजेस। कितना आपको इसको स्ट्रेच करना है इस कॉर्नर को आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये एंगल के साथ स्ट्रेच होगा। नेक्स्ट पैरामीटर एक्स वाई। एक्स वाई का यूज हम ज्यादातर अरे कमांड के लिए करते हैं। एक्स वाई, एक्स वाई मतलब यह है कि आपका एक्स और वाई दोनों एक साथ लगेगा। ये x डिस्टेंस, ये y डिस्टेंस। अब हम चलते हैं एक्शन में अरे। इसको हमने सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट को हमने सेलेक्ट किया, एंटर। एंटर करने के बाद कहेगा एंटर द डिस्टेंस बिटवीन रोज आर स्पेसिफाइड सेल। तो हमने यहां से डिफाइन कर दिया डिस्टेंस बिटवीन रो, रो के बीच का डिस्टेंस हमने 80 दे दिया, कॉलम के बीच का डिस्टेंस हमने डिफाइन कर दिया यहां से 80। बंद कर दिया, क्लोज ब्लॉक इटर सेव चेंजेस। बट एक बार जब अरे कमांड का यूज हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे कर देंगे फिर दोबारा हम नहीं कर सकते हैं। कितने आइटम चाहिए आपको, एक दो तीन चार, कितने रो में चाहिए, एक दो तीन चार, ठीक है। जितने भी रो में चाहिए, जितने भी कॉलम में आपको चाहिए, आपने डिस्टेंस डिफाइन कर लिया है कि रो के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, कॉलम के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, देन ऑटोमेटिक बनता चला जाएगा। बस आपको विंडो डिफाइन करना है कि आपको बनाना कितना है। ये सब का यूज़ कहाँ, इन सब का यूज जैसे हमने कोई एक सेटिंग प्लान बना लिया हो, दिखाते हैं। ओके, सेटिंग प्लान जैसा वो चेयर दिया हुआ है, फोर्टी रेडियस का, दूसरा सी इंटर और रेडियस दिया हुआ 38, ठीक। सी इंटर 0.0 इंटर 10 इंटर, एक 10 का दिया हुआ है और एक दिया हुआ है 8 का। हम एक चेयर बना लेते हैं ऐसे ही, ये हमारा चेयर है, ठीक है। अब इसमें हमको सिटिंग प्लान लगानी है, रो और कॉलम में रखने हैं। तो हम यहाँ से चलते हैं, पैरामीटर लगाते हैं एक्स और वाई, और यहाँ से हम डिफाइन करके यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम एक्शन लेते हैं अरे कमांड, पैरामीटर हमने सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, रो, रो हम डिफाइन करते हैं कि डिस्टेंस कितना हो, 20 नहीं और दे देते हैं 40, कॉलम के बीच का भी 40 इंटर।
यहाँ पे अरे बन चुका है, क्लोज ब्लॉक इटर सेव चेंजेस, इसको आपने सेलेक्ट किया। कितने रो और कितने कॉलम देना है लगा लो, ठीक है। अब इसको आपको रखना है तो आपने सेलेक्ट किया, मूव कमांड लिया, यहाँ से कहीं और रखना है तो यहाँ से आपने कहीं और रख दिया, जहाँ भी रखना है आप रख सकते हो आसानी से। नेक्स्ट है पैरामीटर में ही अलाइनमेंट, अलाइन रखना है किसी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो पहले हम इसको हटाते हैं डिलीट। अलाइनमेंट आपने यहाँ पे अलाइनमेंट लगा लिया, क्लोज ब्लॉक इटर सेव चेंजेस, और इसके बाद हमने एक स्प्लाइन बनाया एस पी एल टाइप इंटर, ये स्प्लाइन है। अब आप इसके अलाइन में हमेशा रखना चाहते हो इसको, तो आप इसको सिलेक्ट करो, अलाइनमेंट पे क्लिक करो और ले जाओ इस ऑब्जेक्ट के पास, देखिएगा ये इसके साथ हमेशा लगा रहेगा, हमेशा इसके अलाइन में रहेगा, कहीं भी आप इस ऑब्जेक्ट के पास रहो अलाइनमेंट में ही रहेगा इसके, चाहे जहाँ पे रहो, ठीक है। इसका यूज कम करते हैं? हाँ इसका यूज कम करते हैं, बहुत कम करते हैं, ना के बराबर है, ना के बराबर, क्योंकि सबको थोड़ी ना पता होता है, जो पढ़ता रहेगा वही जान पाएगा इस चीज़ को, नहीं तो फिर काम नहीं कर पाता है कोई, बहुत ही कम होता है। अच्छा एक लाइन है, हाँ उसको हम लोग को ब्रेक करना है, हाँ उसके लिए क्या करना, लाइन को ब्रेक करना है, ब्रेक कमांड क्या यूज़ करना, तो भाई मैं उधर पूछा तो कहना लाइन ब्रेक कमांड लगाना ना, तो वो उसको पूरा एक आ रहा है, मैंने पूछा कि सर मुझे एक ब्रेक करके मुझे वहाँ से चेंज आ तो कह रहे हैं किससे, किसने कहा था बोले बैठे गुलशन सर, नहीं जो आज कहा है नरेंद्र सर, देखिए जैसे आपका एक लाइन है ठीक है, मुझे जैसे ये लाइन है, अब आपको यहाँ मिडिल से ब्रेक करना है, तो आपने कुछ नहीं किया, मॉडिफाई में गए, ब्रेक गाइड पॉइंट का आपने यूज किया, इसको सिलेक्ट किया, मिडिल से ब्रेक करना है, ब्रेक हो गया, ठीक है कोई बात नहीं हो जाता, क्योंकि मैं पूछ रहा था कि एक्सप्लोर टाइप के उस कंडीशन में होता है जब हमारा कोई भी एंटिटी ऐसा बना हुआ है लाइक पॉलीगन, ठीक है, पॉलीगन जब तक नहीं होगा यानी पॉलीलाइन जब तक नहीं होगा तब तक वो हमारा एक्सप्लोर नहीं होगा। अब ये सिंगल एंटिटी है, अब आप इसको देख रहे हो ये सिंगल एंटिटी है, अब ये सिंगल एंटिटी है तो इसको आप एक्सप्लोर करोगे देन एक्सप्लोर होगा वो भी कॉर्नर कॉर्नर से होगा, इस बीच से थोड़ी ना होगा, मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट से करने के लिए आपको हमेशा ब्रेक पॉइंट का ही यूज करना है, यहाँ से आपने सेलेक्ट किया अब ये ब्रेक हो गया, पॉली लाइन आपने बना लिया है यहाँ से, पॉली लाइन ऑफ करते हैं, ठीक है। अब जहां जहां पे हमने क्लिक किया है ठीक है वहां वहां से ये ब्रेक होगा, एंड पॉइंट से ब्रेक होगा, मिड पॉइंट से ब्रेक नहीं होगा, तो हमने यहां से एक्सप्लोर कमांड लिया, इसको सिलेक्ट किया और एंटर कर दिया, अब ये टूट गया, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ब्लॉक एडिटर में आगे चलते हैं, डोर पे क्लिक, ओके। अब इसमें पैरामीटर है फ्लिप, फ्लिप का यूज आपने कल भी देखा था कि किस तरह से हम फ्लिप कर रहे थे, तो बस वही देखना है हमको, फ्लिप यहां से पैरामीटर लगा रहा है, फ्लिपिंग का यूज होगा, हाँ फ्लिप का यूज होगा, फ्लिप का यूज होगा, जैसे फ्लिप का यूज होगा और भी कुछ चीजें हैं, मैक्सिमम मैक्सिमम देखिए जो प्लान बनाने में होता है वो यही आपके ड्रॉ टूल बार मॉडिफाई, इसमें पैरा ब्लॉक में, ब्लॉक में जो यूज होता है वो हमारा बेस पॉइंट यूज होता है, ठीक है, विजिबिलिटी स्टेट यूज होता है, फ्लिप यूज होता है, बस
उसके बाद और कोई कमांड यूज ही नहीं करता है कोई, कि यहाँ फालतू में पैरामीटर लगाने की क्या जरूरत है, जल्दी जल्दी करके वो अपना वहीं से लगा के क्रिएट कर लेगा, ये सब करने की क्या जरूरत है किसी को। वो तो तब है जब उसी ड्राइंग को बार बार चेंजेस करना, बार बार चेंजेस करना हो, हर बार मुझे एक ही प्लान बनाना हो और एक ही प्लान में थोड़ा थोड़ा चेंजेस करना हो, तो हम इन सब चीजों को जानना जरूरी समझते हैं कि थोड़ा थोड़ा चेंजेस करना है तो हम एक ही ब्लॉक बना के रखे रहेंगे, बार बार उसी में चेंजेस करते हुए चले जाएंगे, तब हम यूज करते हैं। वैसे यहाँ पे कैड सेंटर में तो पढ़ाया जाता है, लेकिन आई कैड हो गया, कैड डेस्क हो गया, इन सब चीज़ों में ये सब पढ़ाया भी नहीं जाता है, हटा ही दिया जाता है, पूरी तरह से हटा दिया जाता है, खत्म। फ्लिप देख लेते हैं, फ्लिप कल भी हम लोग देख चुके थे, आज भी देख लेते हैं कि जहाँ पे हम जिस लाइन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। हाँ क्या नाम है, DWL? नहीं, DWL क्या नाम है, यहाँ पे कोई शहर है DLW, मुझे हमेशा भूल जाता है DLW, डीजल लोकोमोटिव है, पूरा अंदर तो वो है कॉलोनी है बहुत बड़ी, मुझे हमेशा भूल जाता है DLW की जगह DWL कहता हूँ। मैकेनिकल का ही है, कभी जाइएगा देखिएगा पूरे इंजन रखे हैं। चलिए दिखाते हैं, फ्लिप पैरामीटर का यूज आप कभी, सॉरी फ्लिप एक्शन का यूज तभी कर पाओगे जब आपके पास फ्लिप पैरामीटर लगा हो, ठीक है। तो आपने फ्लिप पैरामीटर यहां से लगाया, देन एक्शन में गए फ्लिप और यहां से पैरामीटर को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए और एंटर कर दीजिए, यहां पे मिरर का ऑप्शन बन के आ जाएगा, क्लोज ब्लॉक इंटर सेव चेंजेस। अब फ्लिप में मिरर क्या हुआ, फ्लिप में मिरर अच्छा वही ऐसे, हाँ मिरर ही तो होता है, फ्लिप को हम मिरर ही कहते हैं। इसको आपने सेलेक्ट किया, इस पे आपने क्लिक किया, कहाँ गया, जेड इंटर ए इंटर, चलो फिर से करते हैं DE इंटर, ओके दोनों पॉइंट्स एक ही पे आ रहा है, पैरामीटर फ्लिप एक्शन सिलेक्ट। हाँ पैरामीटर में पहले हम पैरामीटर से वो पैरामीटर लगाएंगे, ठीक है, देन एक्शन में हम जाके वो एक्शन सेलेक्ट करेंगे जिससे वो एक्शन हो सकता है। तो हमने लगा लिया, क्लोज ब्लॉक इंटर किया, सेव चेंजेस कर दिया, यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे क्लिक किया, चेंज, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं पैरामीटर विजिबिलिटी। विजिबिलिटी में क्या होता है, जैसे हम लेयर में करते हैं वैसे हम विजिबिलिटी स्टेट में करते हैं, बट ये ब्लॉक के लिए होगा, वो उसके लिए होगा। तो हम इसमें कुछ चेंजेस करने जा रहे हैं, हम एक सर्किल बनाते हैं, एक रेक्टेंगल बनाते हैं, और एक सर्किल और बना लेते हैं, ये ठीक है। अब इसमें हम विजिबिलिटी स्टेट डिफाइन करना चाहते हैं, विजिबिलिटी स्टेट, चलो एक अच्छा सा एग्जांपल देखते हैं, हेक्सागन का ले लेते हैं, नट बोल्ट बना लेते हैं, पॉलीगन नंबर ऑफ साइड 6, सेंटर पॉइंट 0.0, इंस्क्राइब्ड और रेडियस 10, सी इंटर 0.0 इंटर रेडियस 10 इंटर, ठीक है। ये हमारा नट है, इसका होल हम दे देते हैं डाया 2,
ठीक है। अब इस नट बोल्ट में हम इसको हटाना चाहते हैं, इसको हटा के होल को हटा देना चाहते हो और एक बार हम होल को रखना चाहते हो, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, विजिबिलिटी स्टेट पैरामीटर यहाँ से लगाएंगे, जिसको हम शो करना चाहते हैं उसको हम शो करेंगे, जिसको हम हाइड कर देना चाहते हैं उसको हम हाइड कर देंगे। ये काम होता है विजिबिलिटी स्टेट का। तो जैसे हम यहाँ से विजिबिलिटी स्टेट पे जाएंगे, तुरंत यहाँ से विजिबिलिटी मैनेज विजिबिलिटी स्टेट यहाँ से हाईलाइट हो जाएगा। अब विजिबिलिटी स्टेट्स पे जाएंगे, यहाँ से मैनेज करेंगे, पहले को रीनेम करते हैं कि यहाँ पे हम फुल पूरा व्यू हम लेना चाहते हैं, न्यू क्रिएट करते हैं, यहाँ पे हम देते हैं केवल पॉलीगन को, ओके। और न्यू हम क्रिएट करना चाहते हैं यहाँ पे C1 सर्किल 1, और न्यू क्रिएट करना चाहते हैं C2, दूसरा न्यू क्रिएट कर रहे हैं C1 C2, तीसरा न्यू क्रिएट कर रहे हैं POL C1, चौथा न्यू हम क्रिएट कर रहे हैं POL C2, ओके। ये हम क्रिएट कर चुके हैं, ठीक है, जस्ट क्लिक ऑन ओके। अब हम यहाँ पे विजिबिलिटी स्टेट में जाते हैं, यहाँ से POL C2 आ रहा, बट हम फुल लेते हैं। फुल लेने के बाद मेक विजिबल, मेक विजिबल फुल व्यू में किसको किसको दिखाना है उसको हमने विजिबल कर दिया, ठीक है। दूसरा हमने यहाँ से सिलेक्ट किया POL, पॉलीगन में केवल पॉलीगन को दिखाना चाहते हैं, इन दोनों को इनविजिबल कर देना चाहते हैं। तो यहाँ पे गए मेक इनविजिबल, किसको किसको इनविजिबल करना है, इसको और इसको, इंटर। तीसरा हम गए यहाँ से हम C1 पे गए, तो C1 में केवल C1 को हम दिखाना चाहते हैं, C1 हम इसको लेते हैं, C2 इसको लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से विजिबिलिटी स्टेट पे गए, मेक इनविजिबल, इन दोनों को इनविजिबल करना है। विजिबिलिटी स्टेट C2 में हम गए, मेक इनविजिबल, इन दोनों को कर देना है इनविजिबल। C1 C2 यानी पॉलीगन को हमको इनविजिबल करना है, इनविजिबल पॉलीगन को। दूसरा है POL C1, इसको हमको इनविजिबल करना है, तो इसको हमने सेलेक्ट किया, मेक इनविजिबल कर दिया। तीसरा हम चलते हैं POL C2 और इसको मेक इनविजिबल इसको करना है, ठीक है। क्लोज ब्लॉग इटर से चेंजेस, ये मिला हुआ है आपके पास। अब आप कॉपी करो इसी को, इंसर्ट कराने की जरूरत नहीं, आप इसी को कॉपी करो। एक जगह पे आपको रिक्वायरमेंट सबकी है तो आपने सबको रख लिया, एक जगह पे आपको रिक्वायरमेंट केवल C1 की है तो आपने C1 को रख लिया, एक जगह पे आपको रिक्वायरमेंट POL की है तो आपने POL रख लिया, एक जगह पे आपको रिक्वायरमेंट C1 C2 की है, एक जगह पे आपको रिक्वायरमेंट POL C1 की है, तो ऐसे करके आप सबको रखते चले जाओगे जहां पे जिसकी रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। ब्लॉक एडिटर BE टाइप किया आपने, डोर पे क्लिक हो गया, ये आ गया। आगे चलते हैं, विजिबिलिटी हो गया, लुकअप। लुकअप क्या करता है, जो एक्शन आप कर रहे हो उसी को वो देखता रहेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब एक पर्टिकुलर, जैसे आपने स्ट्रेच किया था, स्ट्रेच किया तो कहां तक हो रहा है वो आप अपने अकॉर्डिंग कर दिए थे, बट आप एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे करना चाहते हो कि आपको 10 डिस्टेंस पे स्ट्रेच हो तो 10 तक ही जाए, ऐसा करना चाहते हो तो आप उसका यूज करोगे लुकअप का। हम दिखाते हैं आपको बेस पॉइंट का यूज क्या है, बेस पॉइंट का यूज बेस पॉइंट को चेंज करना है। अभी जब इंसर्ट कराते हैं तो ये आपका सेंटर पॉइंट लेके आ रहा है, अब आप बेस पॉइंट चेंज करके यहां रखना चाहते हो तो यहां पे रखो। क्लोज ब्लॉग एडिटर सेव चेंजेस आपने किया, अब आप इंसर्ट कराओ तो वो पॉइंट लेके आएगा जो आपने अभी डिफाइन किया था, ठीक है। तो चलते हैं लुकअप में, हमने एक रेक्टेंगल बना लिया, डायमेंशन देके 10 इंटर 10 इंटर, बी इंटर पिक पॉइंट, हमने बेस पॉइंट डिफाइन किया, ऑब्जेक्ट को हमने सेलेक्ट किया, कन्वर्ट टू ब्लॉक, ओपन इन ब्लॉक एडिटर, ओके। यहां पे क्या दे रहा है, अलाउ एक्सप्लोडिंग, एक्सप्लोडिंग अगर हम यहां से अलाउ नहीं करेंगे तो हम अगर इसको एक्सप्लोड करते हैं तो एक्सप्लोड नहीं होगा, जैसे अभी हम अलाउ एक्सप्लोडिंग कर चुके हैं तो हम एक्सप्लोड करेंगे, इंटर करेंगे तो ये अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे हम अलाउ एक्सप्लोडिंग ना लगा के एक सर्किल बनाते हैं और एक और सर्किल बनाते हैं और इसी को ब्लॉक में कन्वर्ट करते हैं अलाउ एक्सप्लोडिंग अनचेक करके, बी इंटर
यहाँ से अलाउ एक्सप्लोडिंग हटा देते हैं, पिक पॉइंट ओके, कन्वर्ट टू ब्लॉक ओके, सी ओके, कुछ नहीं बस क्लोज ब्लॉक इंटर करते हैं, ये है एक्सप्लोड, नहीं हो रहा ना, ठीक है, सर्कल नहीं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को अलग करने का मतलब है। देखिए जैसे हमारा एक रेक्टेंगल बना हुआ हो, इसी में इसको हम ब्लॉक में कन्वर्ट करना चाहें, बी इंटर आपने लिया, इसका नाम कुछ भी दे दिया, फोर पिक पॉइंट आपने बेस पॉइंट डिफाइन किया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट आपने इसको सिलेक्ट किया, अलाउ एक्सप्लोडिंग अनचेक कर दिया, ओके किया, ये आ गया यहाँ पे क्लोज ब्लॉक इंटर सेव चेंजेस, अब ये सिलेक्ट है, ठीक है, अब इसको एक्स इंटर करो, इसको सिलेक्ट करो, ये एक्सप्लोड हो रहा है नहीं हो रहा है, हाँ वहाँ से हमको अलाउ करना पड़ेगा तब जाके वो एक्सप्लोड होगा। तो बहरहाल छोड़िए इन सब चीज़ों को, अभी देखते हैं जो हम वर्क करने जा रहे हैं, हम इस पे वर्क करने जा रहे हैं, डिस्को लुकअप रेक्टेंगल, सॉरी बी इंटर, हमने इसका नाम डिफाइन किया वन, पिक पॉइंट बेस पॉइंट दे दिया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, अलाउ एक्सप्लोडिंग ऑन कर दिया, ओके किया, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे हमने लुकअप पैरामीटर लगाया ये, ठीक है, अब हम एक्शन पैरामीटर दूसरा लगाने जा रहे हैं, लीनियर पैरामीटर, वहां से हमने यहां लगा दिया और इसको लगा दिया, ठीक है, अब इसके बाद हम वर्क करने जा रहे हैं एक्शन स्ट्रेच, हमने पैरामीटर सिलेक्ट किया, पॉइंट डिफाइन किया और इसके बाद कॉर्नर डिफाइन कर दिया कि ये कॉर्नर हमको स्ट्रेच करना है, ठीक है, इसको हमने सिलेक्ट किया, इंटर, यहां पे स्ट्रेच का साइन बन के आ गया। अब हम चलते हैं एक्शन में लुकअप, लुकअप पे हम गए और यहां से हमने लुकअप पैरामीटर को सिलेक्ट किया और जैसे ही सिलेक्ट करेंगे डिस्टेंस ओके, अब यहां से डिस्टेंस वन कितना देना है, ठीक है, वो डिस्टेंस हम डिफाइन करते हैं 15 और इसका नाम हम देते हैं D1, 20 D2, 10 D, ओके, ये टेबल बन के आ गया, क्लोज ब्लॉक इटर से चेंजेस, अब यहां पे आप उस नाम पे क्लिक कीजिए D2, D1, D, स्ट्रेच हो रहा है, यही कॉर्नर तुमको स्ट्रेच करना है, ये कॉर्नर अभी हम अपने अकॉर्डिंग ऐसे ही स्ट्रेच कर दे रहे हैं, कहीं भी कर दे रहे हैं, बट हम चाहते हैं पर्टिकुलर एक पॉइंट पे हो, जो हमने बेस पॉइंट डिफाइन किया है वहां से ये कॉर्नर कितने डिस्टेंस पे हो, उसी पे, हाँ ठीक है, तो वो उसी पे होगा, D1 का हमने डिस्टेंस डिफाइन किया था 20, तो 20 के डिस्टेंस पे यहां से यहां तक आ गया, स्ट्रेच हो रहा है, ध्यान से देखिए, मूव होने का मतलब कोई ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट यहाँ से उठ के दूसरे जगह चला जाएगा, और स्ट्रेच होने का मतलब ये होता है कि कॉर्नर, स्ट्रेच का मतलब उसको साइड में तो बढ़ी, क्या हुआ, स्ट्रेच होने का मतलब कि वो स्ट्रेच हो रहा है, हाँ तो कॉर्नर हमको ये एक स्ट्रेच किया ना, हम ऐसे सिलेक्ट किए, ये कॉर्नर हम सिलेक्ट किए, तो ये कॉर्नर जिसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसको मूव कर रहा है, और जिसको नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं वो अपनी जगह पे पोजीशन पे बना हुआ है, वो स्ट्रेच हो रहा है, जैसे ध्यान से देखिएगा, जैसे ये रेक्टेंगल है, अब रेक्टेंगल में अगर आप इस कॉर्नर को केवल सिलेक्ट कर रहे हो तो यही कॉर्नर केवल आपका स्ट्रेच होगा, इसको हम केवल स्ट्रेच करना चाहते हो तो यही केवल स्ट्रेच होगा, अगर हम वही चीज इसको कंप्लीट को सिलेक्ट कर लें तो हमारा ये साइड जो होगा वो एक कांस्टेंट पोजीशन पे होगा, बट ये दोनों साइड है आपकी, ये किसमें यूज करेंगे हम, स्ट्रेच वाला कहीं भी यूज कर सकते हैं जहां हमको रिक्वायरमेंट जैसी होगी, जैसे हमको पर्टिकुलर डिस्टेंस तक स्ट्रेच करना हो तो हम वहां तक कर सकते हैं, बट अगर रही बात यूज करने की तो जब आप वहां पे वर्क में जाओगे तो शायद हो सकता है वहां पे दिखाई दे, क्योंकि मैंने आज तक जहां पे यूज किया है मुझे कहीं नहीं लगा इसका यूज, बहुत सारे कमांड ऐसे होते हैं जो यूज ही नहीं होते हैं, जैसे पड़े पड़े बेकार हो जाते हैं, तो वर्क में जाओ तो हो सकता है कहीं पता चल जाए, वैसे पढ़ाने में तो हमारे साथ पास में क्या है, प्लान ही बनाना होता है,
अब ये सारे वर्क जो होते हैं R&D सेक्शन में हो सकता है। कौन सेक्शन? R&D सेक्शन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, कि चलो रिसर्चिंग कर रहे हैं हम किसी चीज का, तो वहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। क्योंकि इसमें ऑटोकैड से प्लान पे ही यूज होता है, जैसे सिविल में, फिर उसके बाद उसके जो 3D करना है उसका फंक्शन अलग होगा। तो ये था हमारा डायनामिक ब्लॉक, ठीक है। दूसरा भी एक है इसी का भाई, राइट ब्लॉक। ब्लॉक और राइट ब्लॉक में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो ये है कि राइट ब्लॉक में आपके पास पाथ डिफाइन होता है और ब्लॉक में आपके पास पाथ डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। कि आप सेव नहीं कर पाओगे जब तक आप डायनामिक ब्लॉक में इंसर्ट ना करो, जब तक आप डायनामिक ब्लॉक में नहीं जाओगे तब तक आप सेव नहीं कर पाओगे इस ब्लॉक को। और राइट ब्लॉक को आपको तुरंत पाथ डिफाइन कर देता है कि आप पाथ डिफाइन करो कहाँ आप सेव करना चाहते हो, ठीक है। राइट ब्लॉक का कमांड है डब्ल्यू ब्लॉक, WB एंटर। पिक पॉइंट, आपने बेस पॉइंट डिफाइन किया। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, आपने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, ये आपका ऑलरेडी दे रहा है कि कहाँ पे आपको सेव करना है, तो ये डायरेक्ट पाथ हो गया। बट यहाँ से आप इंच क्या लेना चाहते हो वो इंच आप डिफाइन कर लो, ओके। ठीक है, ये ऑटोमेटिक सेव कर दिया, अभी ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया। अब आप आई लेके वन, ये नाम था नहीं, ये तो नहीं था, क्या नाम था अभी, फिर से चलते हैं, नाम डिफाइन करते हैं WB इंटर। पिक पॉइंट, बेस पॉइंट आपने डिफाइन किया, सिलेक्ट किया, न्यू ब्लॉक की जगह हम इसका नाम दे देते हैं 1 2, ओके। अब इंसर्ट कराते हैं, आई इंटर, ब्राउज डॉक्यूमेंट्स में 1 2 के नाम से ओपन, ओके। कहाँ रखना है ये आपका ब्लॉक आ गया। नहीं, पाथ डिफाइन होने का मतलब ये है कि हमारे पास पाथ है सेव करने का, तुरंत हम सेव कर सकते हैं, उसमें हम तुरंत सेव नहीं कर पाते हैं। जैसे बी इंटर किया, यहाँ से हमने नाम कुछ डिफाइन किया 3, एक पॉइंट हमने डिफाइन कर लिया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, हमने सब को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से हम जैसे ओके कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक सेव हो गया, कहाँ सेव हुआ हमको पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब डायनामिक ब्लॉक के अंतर्गत आ जाते हैं तब हमको पता चल पाता है कि वो सेव कहाँ पे है, ऐसे हमको पता नहीं चलता है, तो तुरंत हमको यहाँ पे डायनामिक ब्लॉक में जाना ही पड़ता है कि जो नाम हमने दिया है, जब इंसर्ट कराएंगे जो नाम हमने दिया है वो यहाँ से ब्राउज करेंगे, पता नहीं क्या दिया है, 12 दिया नहीं, अभी जो बनाया था, नहीं 12, ये तो दूसरा था, अभी ये 3-4 ब्लॉक जो बने हुए हैं, चलो इसी को एडिट कर लेते हैं, 3 नाम था, ठीक है। अब इसको यहाँ पे जब हम जाएंगे एडिट करेंगे तो सेव एज करेंगे, तब जाके हमारा यहाँ से ऑप्शन आता है कि अब कहाँ पे सेव करना है, ठीक है, नहीं तो हमारे पास ऑप्शन नहीं मिलता है। यूज करने के ऊपर है कि आप क्या यूज करना चाहते हो, बेसिकली हम ज्यादातर यूज करते हैं ब्लॉक का ही, क्योंकि हम उसी में डायनामिक ब्लॉक का भी यूज कर लेते हैं ना। अब जैसे हमको डायनामिक ब्लॉक में वर्क करना है तो हम जब यहाँ पे चलते हैं, डबल टाइम क्लिक किया हमने, ओके सॉरी एक मिनट, क्लोज ब्लॉक एडिटर, सेव चेंजेस, हम यहाँ पे चलते हैं। जैसे हमने कोई एक रेक्टेंगल बनाया, आपने जैसे पूछा कि वही क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि हमको तुरंत अगर डायनामिक ब्लॉक में जाना है तो हमारे पास उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, डब्ल्यू ब्लॉक में कोई ऑप्शन नहीं है तुरंत जाने का। बट ब्लॉक में हमारे पास ऑप्शन है कि हम यहाँ पे जैसे नाम डिफाइन करते हैं, पिक पॉइंट देते हैं, बेस पॉइंट डिफाइन किया, ऑब्जेक्ट को हमने सेलेक्ट किया, इंटर। अब इसके बाद यहाँ पे जैसे ही ओपन इन ब्लॉक एडिटर चेक करेंगे, तुरंत हम वहाँ पे ओपन कर लेंगे।
ठीक है, अब हम आ गए इसमें चेंज कर सकते हैं, उसमें चेंज नहीं है, हाँ, उसमें जो एक बार फिक्स हो गया वही चलता रहेगा, इसमें मॉडिफाई मॉडिफाई हाँ सब कुछ कर सकते हैं। पैरामेट्रिक कॉन्स्टेंट का यूज हम करते हैं रिलेशन लगाने के लिए। जब आप रैबिट सीखोगे तो रैबिट में आपके क्या दिया रहेगा, पहले से ही कॉन्स्टेंट डिफाइन। जैसे आप फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट क्लिक करोगे, लाइक हम यहाँ पे दिखाते हैं फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड लाइन हमने क्लिक किया, तुरंत ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, या फिर इसके बीच का डिस्टेंस, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, सब कुछ रिलेशन लग गया है रैबिट, ठीक है। बट इसमें क्या है, इसमें आपको अलग से लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे दो तरह की कॉन्स्टेंट है, फर्स्ट है डायमेंशनल कॉन्स्टेंट, डायमेंशनल कॉन्स्टेंट में क्या होता है, डायमेंशनल कॉन्स्टेंट में आपका दो पॉइंटों के बीच की डायमेंशन डिफाइन करना है, ठीक है, साथ ही साथ आपको दो लाइनों के बीच की डायमेंशन डिफाइन करना है, या फिर आपको रेडियस डिफाइन करना है, एंगल डिफाइन करना है, तो ये सारे डायमेंशन हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, ठीक है। और ज्योमेट्रिकल कॉन्स्टेंट में क्या होता है, ज्योमेट्रिक कॉन्स्टेंट ज्योमेट्रिक कॉन्स्टेंट में आप डिफाइन करते हैं दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन, लाइक पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, कॉन्सिडेंट है, कोसेंट्रिक है, स्मूथ है, सिमेट्रिक है, ये सारे ऑप्शन जो आते हैं वो हम ज्योमेट्रिक में डिफाइन करते हैं। तो हम यहां से देखते हैं, ऐसे ही कोई भी लाइन हमने ड्रॉ कर लिया, एक लाइन हमने कोई भी ड्रॉ कर लिया, और इस लाइन का डायमेंशन अब हमको डिफाइन करना है कि इसका डायमेंशन कितना है, ठीक है। अगर हम बाद में चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर पाए, वो भी डायमेंशन हम डिफाइन कर लेते हैं। तो हमने यहां से लिया पैरामेट्रिक, ठीक है, यहां से चलते हैं लीनियर, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, कैसी लाइन है आपकी, लीनियर दोनों के लिए अप्लाई होगा, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल दोनों के लिए, ठीक है। हॉरिजॉन्टल केवल हॉरिजॉन्टल के लिए अप्लाई होगा, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट यहां पर आपने क्लिक किया, ये डिस्टेंस दे रहा है 1702.0075, ठीक है। अब आप इसको कितना रखना चाहते हो, 20, हो गया 20 का। आपको फिर से चेंज करना है, डबल टाइम इसी पे क्लिक कीजिए, कितना देना है 30, ठीक है, हाँ डायमेंशनल कॉन्स्टेंट। दूसरा है हमारा, हमने लाइन कमांड लिया, यहां से स्टार्ट किया, अर्थ हुआ, हाँ अब इसका तो हम कहीं भी यूज करेंगे, जहां मन करेगा वहीं यूज करेंगे। कैसे भी ड्राइंग बना लिया हमने, डायमेंशन हमको क्रिएट करना है, फटाफट हमने डायमेंशन क्रिएट कर दिया, रिलेशन डिफाइन करना है, हमने रिलेशन डिफाइन कर दिया, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट डिफाइन किया, देन अब डायमेंशन इसका कितना रखना है, जितना भी रखना है उतना आप कर दीजिए, लाइक 20, ठीक है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना रखना है, एंगुलर में हम जाएंगे, फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन 39 दे रहा, हमने इसको कर दिया 45, ठीक है। अभी इस पर ध्यान मत दीजिएगा कि क्या कर रहा है, इस पॉइंट को हटा दे रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, बिकॉज हम जब भी यूज करते हैं तो हम दोनों कॉन्स्टेंट का एक साथ यूज करते हैं, डायमेंशनल और ज्योमेट्रिक दोनों कॉन्स्टेंट का एक साथ।
अब जैसे इस पॉइंट को ये छोड़ रहा है तो इस पॉइंट को हम कोइंसिडेंट कर देंगे, ठीक है। कोइंसिडेंट पे हमने क्लिक किया, ये पॉइंट और ये पॉइंट फिक्स हो गया दोनों पॉइंट। अब हो सकता है कि ये लाइन आपकी स्ट्रेच हो जाए, तो स्ट्रेच ना होने के लिए हम क्या करते हैं, उस पॉइंट को हम फिक्स कर देते हैं। तो यहीं पे ऑप्शन आता है फिक्स का, फिक्स इस पॉइंट को फिक्स करना है। ये पॉइंट आपका लॉक हो गया, अब ये पॉइंट कुछ भी नहीं हो सकता है, मूव नहीं होगा, कॉपी नहीं होगा, सॉरी कॉपी हो जाएगा बट मूव नहीं हो सकता है, क्योंकि ये पॉइंट आपका फिक्स हो चुका है, ठीक है। तो आप इसको हिला नहीं पाओगे अब यहाँ से। दूसरा है रेडियस, आपने कोई एक सर्किल बना रखा है, सर्किल इसका रेडियस अब आप मेंटेन करना चाहते हो, देन आप रेडियस पे जाओ, सेलेक्ट करो इसका रेडियस कितना देना है, 20। अगेन चेंज करना है, 15 देना है, 15 दे दो। इसी तरह से डायमीटर भी है, डायमीटर पे क्लिक करो। ये तो वही है बस, हाँ बनाना रखा रहेगा बस, डायमेंशन डालना रहेगा। हाँ वैसे भी तो वही करते हैं उसमें बस, नहीं उसमें क्या है, उस वो जो आपका होता है वो आपके प्रिंट आउट के लिए काम आता है, डायमेंशनिंग जो हमारा होता है हमारा प्रिंट आउट के लिए काम आता है, और ये जो होता है ये हमारा प्रिंट आउट में नहीं निकलेगा, प्रिंट आउट में इसका कोई यूज नहीं है। हाँ ये सब देगा, ये सब फालतू की चीजें हैं, ये प्रिंट आउट में नहीं निकलेगी। नहीं तो बाद में इसका डायमेंशन दे सकते हैं। हाँ बाद में इसका डायमेंशन जब हमने बना लिया, अब बनाने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से हाइड कर देते हैं, हाइड आउट, सारी चीज नहीं दिखाई देगी, होंगी बट दिखाई नहीं देगी, शो कर देंगे शो ऑल, सारी चीजें आपकी शो हो जाएंगी, ठीक है। डिलीट करना है कॉन्स्टेंट को, तो बट डिलीट कॉन्स्टेंट लीजिए, सबको एक साथ में सिलेक्ट कर लीजिए, सबको एक साथ में सिलेक्ट, डिलीट कॉन्स्टेंट, आपके जितने रिलेशन लगे हुए थे सब समाप्त हो चुके हैं। यहाँ पे हम चलते हैं कॉन्सिडेंट, आपने एक देख लिया कॉन्सिडेंट में क्या है कि इस सर्किल के सेंटर पे आपको इस पॉइंट को कॉन्सिडेंट करना है, लेके चला गया। दूसरा है आपका वर्टिकल, आपको इस लाइन को वर्टिकल रखना है तो वर्टिकल हो गया, ठीक है। तीसरा आपका है हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल सपोज आपकी कोई एक लाइन है ऐसी, तो हॉरिजॉन्टल नहीं है, ठीक है, इस लाइन को आप हॉरिजॉन्टल करना चाहते हो, देन क्लिक ऑन हॉरिजॉन्टल। कमांड इसका है जी टाइप करते हैं और नीचे चले आते हैं, जियोम कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या लेना है, हॉरिजॉन्टल लेना है, वर्टिकल लेना है, परपेंडिकुलर लेना है, पैरेलल लेना है, टेंजेंट लेना है, जिसको भी लेना है उस पर आप क्लिक करो। सेकंड वन इज वर्टिकल, वर्टिकल हमारा हो चुका है, हॉरिजॉन्टल हो चुका है, पैरेलल सॉरी परपेंडिकुलर करते हैं, परपेंडिकुलर इस लाइन को हमको इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर करना है, तो पहले इस लाइन को सिलेक्ट देन इसको सिलेक्ट। दूसरा है हमारा पैरेलल, इस लाइन के अकॉर्डिंग हमको इसको पैरेलल करना है, तो इसको पहले इसको बाद। तीसरा हमारा है टेंजेंट, हमको इस लाइन को इस सर्किल के टेंजेंट में करना है, तो हमने इसको सिलेक्ट किया देन इसको सिलेक्ट किया, ठीक है। नेक्स्ट है स्मूथ, स्मूथ का कंडीशन तभी अप्लाई होगा जब हमारे पास स्प्लाइन होगी, तो अभी हम बस दिखाते हैं। कॉन्सिडेंट, कॉन्सिडेंट एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट पे फिक्स कर देगा। कोसेंट्रिक, हमारे पास दो सर्किल बनी हुई है और उन दोनों सर्किल को एक ही सेंटर पे रखना चाहते हैं, ठीक है, अलग अलग हमने बना दिया, हम दोनों को एक सेंटर पे करना चाहते हैं, देन कोसेंट्रिक का यूज करेंगे। कोसेंट्रिक पे गए, इसको और इसको कोसेंट्रिक करना हमने कर दिया। कोलिनियर, दो लाइनें हैं एक दूसरे को एक सीधी रेखा में रखना चाहते हैं हम, लाइक एक लाइन ये बनी हुई है और एक लाइन ये, ठीक है, हम इस लाइन को इस लाइन के कोलिनियर करना चाहते हैं, देन हमने क्या किया, कोलिनियर ले लिया, यहां से कोलिनियर कमांड, इसके अकॉर्डिंग इसको करना है, और ज्वाइन कमांड का यूज कर सकते हो, जे इंटर फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, ये दोनों कोलिनियर थे इसलिए हमने ज्वाइन कर लिया, अगर कोलिनियर ना होता तो हम ज्वाइन ना कर पाते। तीसरा सिमेट्रिक,
इक्वल एंड फिक्स, फिक्स तो आप जान चुके हो किसी भी ऑब्जेक्ट को फिक्स कर देना, किसी पॉइंट को फिक्स कर देना। इक्वल किसी लाइन को दूसरे लाइन के अकॉर्डिंग जितना लेंथ इसका है उतना ही लेंथ उसका भी हो जाए, तो इक्वल का यूज करते हैं। ई इंटर इस लाइन के अकॉर्डिंग इस लाइन, दोनों इक्वल लेंथ के हो गए। फिक्स तो हम चलते हैं सिमेट्रिक पे, सिमेट्रिक एंड फिक्स, डिलीट कांस्टेंट, डिलीट कर दिया। सिमेट्रिक का मतलब यह है कि एक ही पोजीशन पे, जैसे हम मान लेते हैं हम इस लाइन के अकॉर्डिंग इस ऑब्जेक्ट को अगर देखते हैं तो जितनी हाइट पे ये ऑब्जेक्ट है आपका उतनी ही हाइट पे अगर हम इसको पहुंचाना चाहते हैं तो सिमेट्रिक का यूज हम करेंगे। सिमेट्रिक यहां से हमने ले लिया, किसको किसके अकॉर्डिंग करना है उसको पहले सिलेक्ट, किसको करना है उसको दूसरी बार सिलेक्ट, और सिलेक्ट्रिक लाइन कौन सी है उसको तीसरी बार सिलेक्ट, ठीक है। और फिक्स आप जान ही चुके हो। ऑटो कांस्टेंट, ऑटो कांस्टेंट क्या करता है कि जैसा बना हुआ है उसी के अकॉर्डिंग वो कांस्टेंट सेट कर देगा। ऑटो कांस्टेंट में गए, सबको एक साथ सिलेक्ट किया, इंटर कर दिया, सब पे अपने अकॉर्डिंग लगा लेगा, जो भी है पहले से वो ऑटोमेटिक लगा देगा, ठीक है। और डिलीट कांस्टेंट, डिलीट, ये था हमारा डायमेंशनल और ज्योमेट्रिक कांस्टेंट। ये वाला पर्सपेक्टिव व्यू